पीएम मोदी की पत्नी जशोदाबेन ने दिया पलटकर जवाब। गुजरात में कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए यहां तक गिर सकती है, कभी सोच भी नहीं सकते, लेकिन चुनावी माहौल में कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस अपने फायदे के लिए पीएम मोदी की पत्नी जशोदाबेन की ओर रुख मोड़ दिया, लेकिन बात बनी नहीं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कांग्रेस सियासी नफे के लिए जशोदाबेन तक पहुंच गई। यह बात वाकई बीजेपी के लिए चौंकाने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जशोदाबेन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी 130 सीटों से ज्यादा पर जीत दर्ज करेगी। जशोदाबेन एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए अलवर में अपने भाई अशोक के साथ पहुंची थी। इस दौरान इस बात का खुलासा हुआ कि कांग्रेस कैसे उनका इस्तेमाल करके मोदी को उनके ही गढ़ में हरा देती। जशोदाबेन की रिश्तेदार ने ये भी कहा कि कांग्रेस ने उनके परिवार से संपर्क किया और वे जशोदाबेन को गुजरात विधानसभा चुनाव में उतारना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। जिस तरह से कांग्रेस का ये दांव फेल हो गया। साथ ही जशोदाबेन के भाई ने कहा कि उनकी बहन ने नरेंद्र मोदी को अपना जीवन देश की सेवा में समर्पित कर देने के लिए कहा है। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा, नरेंद्र मोदी महिलाओं की इज्जत करते हैं, मेरी बहन प्रार्थना करती है कि वे एक दिन उनके पास वापस लौट आएंगे। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या नरेंद्र मोदी को जशोदाबेन के पास वापस लौट आना चाहिए या नहीं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।